तो दोस्तों, अगर आप मोजेप पर क्रिएटर हैं और यहाँ पर प्यारे प्यारे वीडियोस अपने अपलोड करते हैं, तो आज के वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोज एप्लीकेशन ने अपने क्रिएटर के लिए यहाँ पर न्यू फीचर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है शेड्यूल इवेंट्स। वो फीचर किस तरह का दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह का फीचर आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब शेड्यूल इवेंट्स वाला फीचर हमें किस तरह से मिल सकता है, मतलब किसको लेने का क्राइटेरिया क्या है? तो दोस्तों, शेड्यूल इवेंट्स वाला फीचर उतने ही क्रिएटर को, मतलब कि उन क्रिएटर को ही मिलेगा जिसको यहाँ पर मोज लाइव का यहाँ पर ऑप्शन मिला हुआ है, लाइव मोज लाइव का एक्सेस मिला हुआ है। उन क्रिएटर को ही यहाँ पर शेड्यूल इवेंट्स वाला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, फीचर दिया गया है। तो अगर आपको मौज एप्लीकेशन पर लाइव फीचर मिला है और अभी तक आपको शेड्यूल इवेंट्स वाला फीचर नहीं मिला है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर मौज एप्लीकेशन सर्च करके अपडेट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है, तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर फीचर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इससे पहले आगे कुछ डिटेल शेयर करूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट वीडियो ऐप से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मौज एप्लीकेशन को शेड्यूल इवेंट्स वाला यहाँ पर फीचर, जो कि ऑप्शन कह सकते हैं, वो देने की जरूरत क्या पड़ी। अब आप इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जितने भी क्रिएटर्स को मौज एप्लीकेशन पर लाइव फीचर मिला हुआ है, उनके ढेर सारे क्वेश्चन डाउट रहते थे। वो बार बार यहाँ पर मौज एप्लीकेशन को ईमेल कर रहे थे कि हमारे जब भी हम यहाँ पर लाइव जाते हैं, सुबह जाते या फिर शाम को जाते हैं, तो हमने हमारे जो फॉलोअर्स है, हमें जिन्होंने यहाँ पर फॉलो करके रखा है, वो हमारे व्यूअर्स तक नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं यहाँ पर कि हम लाइव जा चुके हैं, तो वो हमारे लाइव में आ नहीं पाते हैं, तो हमारे लाइव में कोई जुड़ ही नहीं पाते हैं। तो हमें लाइव फीचर मिला हुआ है, उसका फायदा है क्या जब कोई ऑडियंस आती नहीं? तो इसका यहाँ पर डाउट सॉल्यूशन करने के लिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मौज एप्लीकेशन में यहाँ पर न्यू फीचर लॉन्च कर दिया है, यहाँ पर इवेंट्स वाला, शेड्यूल इवेंट्स वाला। तो आप शेड्यूल मतलब कि कोई फिक्स टाइम सेट करके आप यहाँ पर लाइव जा सकते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर जो व्यूअर्स है, आपके फॉलोअर्स है, उनको यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसका यूज कैसे करना है, चलिए चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन में, प्रैक्टिकली सब कुछ समझ लेते हैं, जान लेते हैं, सीख लेते हैं। वीडियो पसंद आया तो आगे लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मौज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे मौज एप्लीकेशन ओपन करोगे, तो आपको सिंपली यहाँ पर प्रोफाइल वाले आइकॉन में चले जाना है। उसके बाद आपको सिंपली थ्री लाइन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पर आपको लाइव जो यहाँ पर ऑप्शन है, इसके नीचे यहाँ पर फर्स्ट में ही शेड्यूल इवेंट्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा, न्यू लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं मिला है तो सिंपली एप्लीकेशन अपडेट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो सिंपली न्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नो शेड्यूल्स इवेंट्स येट, शेड्यूल्स आर लाइव टुडे। तो कोई भी हमने शेड्यूल यहाँ पर सिलेक्ट नहीं की पहले से, तो चलिए हम क्रिएट न्यू इवेंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर अपना फोटो या फिर डीपी लगा सकते हैं, यहाँ पर चेंज कवर पर क्लिक करना है और गैलरी से आप जो भी फोटो पसंद आता है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना प्यारा लोगो या फिर फोटो सेट कर दिया है, क्रॉप करके कुछ इस तरह का। तो दोस्तों, डीपी सेट होने के बाद यहाँ पर हमें टाइम सिलेक्ट करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट इवेंट टाइम, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ वेनसडे को, 18 जनवरी को, और यहाँ पर टाइम सिलेक्ट करता हूँ 6 बजे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर 6 बजे का टाइम सिलेक्ट कर देना है शाम को। यहाँ पर मैं पीएम कर देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर सेट कर देना है। यहाँ पर हमारा टाइम सेट हो गया है। उसके बाद इवेंट टाइटल, मतलब कि आप किस टॉपिक पर यहाँ पर लाइव जाना चाहते हो, तो आपको कोई भी यहाँ पर टाइटल दे देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मौज मस्ती, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर टाइटल दे देना है। उसके बाद सिलेक्ट टॉपिक, अब ये आपको ध्यान से देख लेना है, आपको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड ही यहाँ पर टैग सिलेक्ट कर देना है, टॉपिक सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर जॉक्स वगैरह बोलने वाला हूँ, फनी शायरी बोलने वाला हूँ, तो फन कॉमेडी सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, आर्ट से रिलेटेड है, चिट चैट है, ब्यूटी फैशन से रिलेटेड आप यहाँ पर लाइव जाते हो, डांस है, लाइव म्यूजिक, अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती है। तो आपको अपनी कैटेगरी हिसाब से ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो आपकी कॉमेडी से रिलेटेड मेरी जो भी ऑडियंस है, उसको यहाँ पर नोटिफिकेशन चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एड डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर हम जॉक्स बोलने वाले हैं, उसके बाद है फनी शायरी,
वगैरह वगैरह यहाँ पर हम बोलने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर शेड्यूल मौज लाइव क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अंडर रिव्यू पे जाएगा। अब थोड़ी देर में यहाँ पर हमारा प्रोसेस कंप्लीट होकर यहाँ पर आगे आपको ऊपर की तरफ नोटिफिकेशन यहाँ पर आपकी प्रोफाइल में ऊपर की तरफ मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर आगे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो जब आपकी ऑडियंस को पता नहीं होता था पहले कि आप कब लाइव चाहते हो, अब यहाँ पर ऊपर आपके वीडियोस देखेंगे, ऑडियंस आपके प्रोफाइल में आएंगे तो उसको यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन मिलेगी, उसको पता चलेगा कि इतने बजे जो मेरे कंटेंट क्रिएटर है वो लाइव जाने वाले हैं। तो वो तुरंत से आपके यहाँ पर आपके लाइव सेशन में आएंगे तो आपके यहाँ पर व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, गिफ्टिंग वगैरह करेंगे तो आपकी अर्निंग भी यहाँ पर बढ़ जाने वाली। तो ये फीचर मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगा। आपको ये फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए। और अभी तक आपको लाइव फीचर नहीं मिला है तो इस वीडियो के नीचे लिंक मैंने दे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देख के आपको 2 दिन में लाइव मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिए लाइव का, ठीक है दोस्तों, और आपको अर्निंग भी हो जाएगी वहां से।